हेलो गाइस, आज है डे टू एंड आज हम कवर करेंगे दो आइलैंड, नॉर्थ बे एंड रॉस आइलैंड। वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड मैं अपने प्रॉपर बीच वाले अटायर में रेडी हूँ और संध्या अभी भी रेडी हो रही है। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये मरीना पार्क एंड सेलुलर जेल के पास में है। जैसे कि इसका नाम है, यहाँ आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं जो आगे हम बताएंगे। एंड साथ ही साथ आपको नॉर्थ बे या रोस आइलैंड जाने के लिए भी बोट्स यहीं से मिलती है। सर, आज आप लोग दो आइलैंड जा रहे हैं, एक रॉस आइलैंड और एक नॉर्थ बे आइलैंड। रॉस आइलैंड देखिए सामने में नॉर्थ बे आइलैंड। जब आप जट्टी में जाएंगे ना, आपको नॉर्थ बे आइलैंड दिखाई देगा, ठीक है। तो रॉस आइलैंड जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ घूम के हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं। ब्रिटिश के टाइम में अंग्रेज लोग पहले कैसा रहते थे, वहाँ स्विमिंग पूल थी, बेकरी थी, चर्च थी, जो अभी खंडर टाइप हो गए, वहाँ उसको क्या मेंटेनेंस करते हैं। नेम प्लेट में सब कुछ लिखा रहेगा, पढ़ के हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं। वहाँ हिरन है, मोर है, जो अपना फोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं। यहाँ से जब जाएंगे तो एंट्री फीस जो है आपका 30 रुपीज लगेगी पर पर्सन, क्योंकि नेवी के एरिया। अपना बोट का नाम याद रखना है, क्योंकि आपको आपका नाम से नहीं बुलाएंगे, आपको बोट का नाम से ही बुलाएंगे, इसीलिए अपना बोट का नाम याद रखना है, ठीक है। घूमने के बाद में सेम बोट आपको नॉर्थ बे आइलैंड लेके जाएगी। नॉर्थ बे आइलैंड जो है कोरल आइलैंड है, वर्ल्ड का तीसरा नंबर में नॉर्थ बे आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, पटाया और अंडमान है। नॉर्थ बे आइलैंड पहले कभी देखी है आप लोग? नहीं देखी है, पर हमेशा देखते हैं। बताइए कैसा? 20 रुपीज की जो नोट है उसके बैक साइड में देखिए, नारियल पेड़ का बगीचा, एक लाइट हाउस है, वो नॉर्थ बे आइलैंड का फोटो है, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडर वाटर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, सी वॉक फिलहाल बंद है यहाँ पर, और बाकी सारे एक्टिविटी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग भी मिल जाए। स्नॉर्कलिंग में क्या है, जैसे स्कूबा डाइविंग में आपको 10 से 12 फीट आपको पानी के नीचे लेके जाते हैं, पर स्नॉर्कलिंग में क्या, आपको सरफेस में, ठीक है, आपके साथ में एक बंदा रहेगा और एक फुल मास्क दे देंगे, उसके बाद में एक लाइफ जैकेट रहेगा जो आपको टो करके पानी के अंदर में आपको लेके जाके आपको कोरल फिश जो है आपको दिखाएंगे, मगर अच्छा, बहुत अच्छा दिखाई देता है स्नॉर्कलिंग। लॉकर वगैरह है क्या वहाँ पे कुछ? हाँ, चेंजिंग रूम भी है, ठीक है, आप अपना चेंज कर सकते हैं, ड्रेस लाए लेके आए तो, और नहीं लेके आए तो वहाँ पर खरीद के ले भी सकते हैं, 100 रुपीज लगता है टी शर्ट का, ठीक है। तो स्नॉर्कलिंग का कॉस्ट जो है आपका 1000 रुपीज का, एक बंदे का। उसके बाद में आपका स्नॉर्कलिंग कितनी देर का होता है, ड्यूरेशन क्या है उसका? उसका आपका 20 से 25 मिनट तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका एक ग्लास बोट है, सिंपल से ग्लास बोट है, जिसके थ्रू से भी कोरल फिश को आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको रिफ मिलेगी, स्लो स्लो करके कोरल्स दिखाएगा और एक बंदा जो है आपको कोरल फिश के बारे में जो है आपको ब्रीफ करेंगे, ठीक है। उसका कॉस्ट भी आपका 1000 रुपीज का है, वो भी आपको 20 से 25 मिनट तक दिखाएगा। अंडमान डॉल्फिन है, एक रशियन क्रूज है, इंडिया में फर्स्ट टाइम, अंडमान में फर्स्ट टाइम है। इसकी बॉटम में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहेगा, ये देखिए, जैसा आप खड़े हैं ना उस तरह सोफे लगे रहेगी, बीच में जो है कौन सा ग्लास लगा रहेगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके थ्रू से कोरल फिश को आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको 20 मिनट जो है रिफ मिलेगा, स्लो स्लो करके कोरल्स दिखाएगा, और 10 मिनट जो है इसका फन राइड होगा म्यूजिक के साथ में, इसका 2000 रुपीज है, ठीक है। अगर ये आज अगर विजिबिलिटी अच्छा है तो अच्छे से कोरल्स दिखाएगा, नहीं तो इसका फन राइड भी होता है, एक 40 मिनट्स का जो है फन राइड होता है, जो अच्छा इंजॉय कर सकते हैं आप, इसमें डांस म्यूजिक सब बजते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक है सामी सनमैरी, आधा बोट जो है पानी के नीचे रहेगा, आधा बोट जो है पानी के ऊपर रहेगा, इसके चारों तरफ जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहेगा, इसके थ्रू से कोरल फिश को आप देख सकते हैं। अच्छा, नीचे जी, ये आधा बोट जो है पानी के नीचे चले जाएगा। यहाँ पर एक कैफेटेरिया बना है जहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप का रहेगा, वहाँ पर जो है आप स्नैक्स वगैरह या लंच जो भी है आप खरीद के खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी ऊपर भी आप घूम सकते हैं, सन बाथ के लिए आराम से आप घूम सकते हैं, फुल क्रूज में आप घूम सकते हैं, 1 घंटा का राइड होता है इसका, 1850 रुपया पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद में एक है पैरासेलिंग, पैरासेलिंग में क्या है, ये बोट में आपको नॉर्थ बे आइलैंड से अच्छा स्पीड राइड का मजा मिलेगा, स्पीड राइड करके आपको
नॉर्थ बे से जो है आपको रॉस का पीछे जो है फ्लाई कराने लेके जाएंगे, तीन से चार मिनट जो हवा में आपको फ्लाई करेंगे, स्लो स्लो करके आपको ऊपर लेके जाएंगे और स्लो स्लो करके नीचे उतार देंगे। पानी में जो है आपको डिप नहीं करेंगे, आपको बोट में ही उतार देंगे, ठीक है। ये आधा घंटा का रहता है, मगर आपको फ्लाई जो है आपको तीन से चार मिनट ही होगा। उसका कॉस्ट जो है आपका 3000 का, ठीक है। तो अभी सारे एक्टिविटी हम बता दिए, तो आपको जो भी एक्टिविटी लेना है यहीं से कूपन। क्या हुआ? अंदर वोट कर लीजिए, इधर वोट कर लीजिए। नाम क्या है बोट का? बोट नाम है वॉइचर। वॉइचर चलो। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप कोई एक आइलैंड कवर कर सकते हो जिसका चार्ज है अराउंड 350 रुपीस पर पर्सन, या फिर आप दोनों आइलैंड कवर कर सकते हो जिसका चार्ज है 770 रुपीस पर पर्सन। तो हमने दूसरा ऑप्शन लिया। तो हमारी बोट हमें पहले लेके गई रॉस आइलैंड, वहाँ पे हमें 1.5 घंटे का स्टे मिला एंड उसके बाद हम निकले नॉर्थ पे आइलैंड के लिए। वहाँ पे स्टे डिसाइड होता है एक्टिविटीज़ के हिसाब से। जब आप और आपके को पैसेंजर्स सारी वाटर एक्टिविटीज़ ख़त्म कर लेते हैं नॉर्थ बे में, तभी आप वहाँ से रिटर्न होते हो। हमारा ये सजेशन है कि आप बोट में लास्ट सीट में कभी मत बैठिए, क्योंकि उस इंजन से जो स्मोक आता है उससे आपको बहुत सफोकेशन और वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है। हम 5-7 मिनट में रॉस आइलैंड पहुंच चुके थे। लो भाई, रॉस आइलैंड आ गए। पहले आपको देखने को मिलेगा जापानीज बंकर, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जापानीज आर्मी ने बनाया था। उस टाइम उन्होंने अंडमान में कब्जा किया हुआ था 1942 से लेके 45 तक। ये एक मेमोरी है उस समय की जो हमें फॉरेन इन्वेशन, वर्ल्ड वॉर और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में बताती है। आपको यहाँ पे 30 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी। लकीली यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोगी कार्ट अवेलेबल है जो आपको 80 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से पूरा आइलैंड कवर करवाएगी, जो कि स्टार्टिंग से लेके टॉप व्यू तक एंड देन रिटर्न। और साथ में वो यहाँ की हिस्ट्री भी बताएंगे। इसे रॉस आइलैंड कहते हैं, बट एक्चुअली अभी इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ये सिर्फ 3 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से एंड यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल रूइंस मिलेंगे ब्रिटिश के ज़माने से, जो कि एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यह इस आइलैंड की सबसे पहली दुकान, नाम है फरजान अली स्टोर। ये कभी यहाँ का पावर हाउस हुआ करता था। इसके पीछे है वाटर डिस्टिलेशन प्लांट एंड स्विमिंग पूल, जो कि हम बाद में नज़दीक से देखेंगे। बेकरी हुआ करती थी। ये जूनियर ऑफिसर्स का क्लब हाउस हुआ करता था। यहाँ पे डांस फ्लोर, बार, इंडोर गेम्स वगैरह हुआ करते थे। ये है यहाँ का सबसे पुराना चर्च, जो 1840 में बना था। ये सेक्रेटेरिएट या फिर हिंदी में कहें तो सचिवालय हुआ करता था। ये ब्रिटिश कमिश्नर का बंगला हुआ करता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बॉम्ब ब्लास्ट में बिल्कुल तबाह हो गया। अब बस इसकी जमीन बची है। ये भी एक चर्च हुआ करता था और अभी इसको पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया है एंड इस आइलैंड की सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से आती है। इस बिल्डिंग में ब्रिटिश के सोल्जर्स रहा करते थे।
मुझे पर्सनली ये घने पेड़ और जड़ों में लिपटी टूटी फूटी दीवारें बहुत पसंद आई एंड ये काफ़ी स्पूकी लग रहा है। जस्ट इमेजिन रात को ये नज़ारा क्या होगा। अब हम इस आइलैंड की मैक्सिमम हाइट जो कि 200 फीट अबो सी लेवल पर पहुंच गए हैं एंड यहां सीढ़ियों से हम लाइट हाउस की तरफ जाएंगे एंड उसका नज़ारा काफ़ी मेस्मराइजिंग होगा। यहां पे हमें काफ़ी हिरन और मोर देखने को मिले। वो ना ही आपसे डर के भागेंगे और ना आपको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो वो डर जाते हैं बट जैसे ही आप उनको खाना वाना खिलाओगे तो वो बहुत फ्रेंडली भी हो जाते हैं। मैडम चले। मैं रॉस आइलैंड के पास दो नेवी के शिप्स भी देखने को मिले एंड पानी आप देखो कितना क्रिस्टल क्लियर एंड आपको क्रैब्स भी देखने को मिलेंगे। पहले तो हमें ड्यूअल दिख रहे थे बट जैसे मैं फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर में उसकी पूरी फैमिली भी आ चुकी थी। एंड देखो हमें सरप्राइज देने के लिए कौन आया, नेवी की हेलीकॉप्टर एंड वो इतने फ्रेंडली थे कि उन्होंने हमें बाय भी किया। वो शायद वीडियो में तो क्लियर आ नहीं रहा था बट देट वॉज अ वेरी ऑसम फीलिंग। वो हमें बाय करके गए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कई सारी बड़ी शिप्स क्रूज भी देखने को मिलेंगी एंड चलो पानी देखो सर कितना क्रिस्टल क्लियर, आप बॉटम भी देख सकते हो उसका एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोरल्स। कोरल्स पानी को पूरा प्यूरिफाई एंड क्लीन करके रखते हैं। तो इस ब्रिज से आप देख सकते हैं पूरा रॉस आइलैंड एंड इस तरफ आप देखोगे तो ग्रीन कलर का पूरा पानी दिख रहा है, पूरा नीट एंड क्लीन एंड इस तरफ में ब्लू कलर। ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल विद यू बिकॉज आप जब ऐसे रास्ते जाते हो और सीढ़ियों से आपको जब वापस ऊपर आना होता है तो आप काफ़ी थक जाओगे, धूप भी काफ़ी होती है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप वाटर बॉटल हमेशा कैरी करो। बहुत थक गए मैडम, कुछ ज़्यादा थक गए। वापस लौटते टाइम आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट दिस व्यू, मुझे इतना अच्छा लग रहा है एंड शायद इसी वजह से इस आइलैंड को कोस्ट आइलैंड भी कहते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इसको एक रेजिडेंशियल होम आइलैंड भी बनाया था और यहाँ पे जरूरतमंद की सारी चीज़ें थी, बेकरी, पूल, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट, पॉन्ड, 3 क्लब हाउस, टेनिस कोर्ट, चर्च, लाइब्रेरी, प्रिंटिंग प्रेस, मार्केट, सब चीज़ें यहाँ पे थी एंड इसीलिए ये लोग उसको एक पैराडाइज आइलैंड भी बोलते थे। 1941 में काफ़ी भयानक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से यहाँ की सारी बिल्डिंग्स काफ़ी डैमेज हो गई थी एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर टू के बॉम्ब ब्लास्ट ने यहाँ पे सब तबाह कर दिया एंड 1942 में जापानीज़ ने इस आइलैंड पे कब्जा भी कर लिया था। ये देखो ये देखो, ये खंजर खंजर नहीं, ये बंजर जमीन, ये पावर हाउस है। देखो वहां पे एक और है, काफी सारे डियर है यहाँ। ये देखो पूरा खंडर हो चुका है अभी, कितना डरावना लग रहा है। नहीं तो ये हुआ करता था वाटर डिस्टिलेशन प्लांट एंड ये सब चैम्बर्स थे उसके, कैसे ऑपरेट करता था वो तो मुझे नहीं पता बट स्टिल अमेजिंग है उस टाइम कैसे ये रखते थे एंड आज भी दो इट्स डैमेज बट स्टिल है यहाँ पे।
ये लो इसके ऊपर तो पेड़ ही उग गया। ऑल राइट अभी हम यहाँ से निकलते हैं। ये देखो संध्या तो पहले ही यहाँ से भागने को रखी है, मेरे को लगता है वो यहाँ से डर गई है। मेरे को तो खूब मजा आ रहा है। निकालना 50 रुपये निकालना दो रॉस आइलैंड घूम लिया, अभी हम यहाँ से जाएंगे नॉट पे आइलैंड। चले स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम आपको लेके चलेंगे नॉर्थ बे आइलैंड एंड दिखाएंगे हमारी कुछ मटर गश्ती पोर्ट बे की गलियों में। वही वाली।